hello everyone welcome to my channel starbird edu point so this is the eighth part of the chapter reproduction in plants so let's see topics that to be covered in this video so topics to be covered in this video are dispersal of seeds advantages of dispersal of seeds agents of dispersal of seeds and in the agents, we will discuss about the agents like wind, water, animal, and some uh, seeds or fruits uh, dispersed by explosion. Germination of seed we will discuss in later on video. So we will discuss these topics today. So let's start with the dispersal of seeds. Dispersal of seeds, the scattering of seeds.

स्कैटरिंग जो होती है उसको बोलते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स और ये डिस्पर्जल स्कैटरिंग ऑफ सीड्स किसके द्वारा हो जाती की जाती की है एजेंट्स के द्वारा एंड एजेंट्स कैन बी लाइक विंड, वॉटर एनिमल्स एंड समटाइम्स इन सर्टेन प्लांट्स इट द सेल्फ एक्सप्लोजन सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द Disper uh, agents of dispersal by the wind. We will discuss about the wind as a agent of dispersal of seeds. So, dispersal of seeds and fruits by wind. Certain seeds have developed several adaptive fe features such as wings and hair, which help to be dispersed by the wind. अच्छा आप तो जानते होंगे विंड का मतलब जो चीज विंड से डिस्पर्स होगी विंड से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाएगी मींस उस चीज का हल्का होना बहुत जरूरी है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल मींस यू शुड नो सीड्स दैट आर वेरी लाइट इन वेट दे आर डिस्पर्ज बाय द एयर और उनमें कुछ एडेप्टिव फीचर्स भी हो सकते हैं ठीक है जैसे कि विंग्स होते हैं है ना कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें विंग्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हेयर होते हैं और जो एयर से आ, हवा लगने पर या उसके साथ में एयर करंट के साथ में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं है फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ ड्रामिस्ट ड्रोमेस्टिक ड्रोमेस्टिक प्लांट सीड्स जो होते हैं इसके ड्रोमेस्टिक प्लांट के वो कैसे होते हैं वो एयर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाते हैं मैपल प्लांट मैपल प्लांट में क्या होता है इसमें यह भी एयर से डिस्पर्स होता है क्यों क्योंकि जो ड्रम स्टिक और मैपल प्लांट के जो सीड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं इनके सीड्स में विंग्स होते हैं ठीक है विंग लाइक स्ट्रक्चर जैसे बर्ड के विंग्स होते हैं उस टाइप का कुछ इनके अंदर स्ट्रक्चर होता है जो हवा से ऐसे उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं नेक्स्ट इज सीड्स ऑफ कैलोट्रोपिस डेंडेलियन मदार कॉटन एंड फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर Have hair them. जो ये प्लांट क्ले, फ्रूट्स, के जो सीड्स हैं उनमें क्या होता है कि इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऊपर वाले में क्या था विंग्स होते हैं नीचे में क्या हमने देखा कि उनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है, है? आ, इन समर्स आपने अपने घरों के आसपास भी देखे होंगे कुछ आ, ऐसे बाल जैसे उड़ते रहते हैं ठीक है उनमें एक छोटा सा आपका काला डॉट दिखता होगा वो क्या है एक्चुअली वो सीड है किसी एक प्लांट का जिसमें ये एडेप्टेशन है क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि उनका एंड लाइट वेट सीड्स दैट इजली ब्लोन बाई विंड ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या इनका लाइट वेटेड होना बहुत जरूरी है उसके साथ कुछ में आ, कुछ एडेप्टिव फीचर्स होते हैं जैसे विंग्स हो गए और हेयर हो गए बट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये विंग्स और हेयर नहीं होते हैं लेकिन वो फिर उनसे भी ज्यादा लाइट वेटेड होते हैं जिनमें हेयर okay. और विंग्स पाए जाते हैं उनसे भी ज्यादा लाइट वेटेड सीड्स होते हैं तो वो इजिली uh, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं ओके सो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ द दीज प्लांट्स दैट आर ब्लोन बाई सीड्स दैट आर ब्लोन बाई विंड सो दिस आर दिस इज द मैपल सी ये मैपल सीड आप देख सकते हैं ये क्या है एक मैपल सीड है और इसमें ये क्या आप देख रहे हो ये विंग्स हैं ठीक है तो विंग्स हो गए जिनसे क्या हवा से इजिली उड़ते रहते हैं डेंडेलियन देखिए डेंडेलियन सीड्स में आप ये देख रहे हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गए ठीक है तो इसमें क्या है विंग्स है और उसमें क्या है हेयर्स है इसी तरह बिल्कुल डेंडेलियन की तरह देखिए ये जो है आपका मदार ठीक है और इसको नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में आग का पौधा बोलते हैं आग ठीक है तो इसमें क्या है ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह इनको लेकर जाते हैं उड़ाकर ठीक है जो ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का ये ही है मेन सीड ओके दैट विल ग्रो इन अ न्यू प्लांट व्हेन इट विल गेट फेवरेबल कंडीशन ठीक है जब ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं और वहां पर वो इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं तो जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है मीन्स अः अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड वॉर्म दे स्टार्ट ग्रोइंग एंड डेवलप इन टू न्यू प्लांट कॉटन सीड्स है इसके जो भी ये भी इसको लाइट वेटेड बनाते हैं और ये हवा से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं फिर फेवरेबल कंडीशन पे ये भी ग्रो करके एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं ओके okay, से प्लांट, जो प्लांट के से जो के ले जाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह या जिनका डिस्पर्जल बाय वाटर होता है उनमें एक अडेप्टेशन ये होता है कि जो अः लाइट वेटेड तो होते हैं लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वो स्पंजी होते हैं फाइब्रस होते हैं और स्पंजी का मतलब Uh, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जिनके बीच में एयर बैग्स होंगे छोटे छोटे एयर पाउचेस होंगे जो उसको uh, हल्का बना देते हैं वेट में ठीक है तो क्या होता है सर्टेन सी डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी एंड फाइब्रस ठीक है फाइब्रस का मतलब उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे साथ में उन हेयर्स के बीच में या जो फाइबर्स होगा उनके बीच में एयर पॉकेट्स बनी होंगी जिनमें एयर ट्रैप्ड होती है ठीक है जिसकी वजह से इनका वेट क्या होता है लाइट वेट हो जाते हैं और ये फ्लोट करती है इजिली वॉटर पे आपने देखा होगा कोई भी लकड़ी का टुकड़ा आप अगर वॉटर में डालते हैं तो कभी भी वो डूबता नहीं है यही वजह है कि नाव वगैरह इससे बनती है तो कोई भी लकड़ी का टुकड़ा अगर आप डालेंगे तो वॉटर में नहीं डूबता क्या वजह होती है कि जो जो आपकी वुड होती है उसमें फाइबर जैसे होती हैं और उन फाइबर्स के बीच में क्या होता है एयर पॉकेट्स बनी होती है और वहां पर एयर ट्रैप्ड रहती है यानी कि एयर उनके अंदर हमेशा के लिए ट्रैप हो जाती है तो उससे क्या होता है कि वो इजिली वॉटर पे फ्लोट कर पाता है ओके okay? सो so, ये जो है आपका डिस्पर्जल बाई वॉटर में ये फीचर बहुत जरूरी है कि उनके अंदर एयर ट्रैप करने के लिए उनका स्ट्रक्चर स्पंजी होना चाहिए ठीक है जिससे कि एयर उनके अंदर ट्रैप हो जाएगी और वो इजिली फ्लोट कर पाएंगे सो फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द कोकोनट फ्रूट है थिक फाइब्रस आउटर कोट विच इनेबल टू फ्लोट इन वॉटर एंड इसलोटिंग वॉटर टू फोर ऑफ प्लेसेज पहले तो इनमें क्या होता है कि जो जिनमें जो प्लांट्स होते हैं जिनमें डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाई वॉटर होता है तो इस तरह के प्लांट्स या तो वॉटर में पाए जाते हैं या वॉटर बॉडीज के किनारे पाए जाते हैं ठीक है तो आपको पता है केरला वगैरह में कोकोनट फ्रूट कोकोनट प्लांट जो होते हैं वो ऐसे ही वॉटर बॉडीज के किनारे होते हैं ठीक है तो वहां पे क्या होता है जब उनका फ्रूट कभी गिर जाता है वाटर में तो वो क्या होता है इजिली वाटर करंट से एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी किया जाता है ठीक है तो अब इनमें होता क्या है कि कोकोनट फ्रूट जो होते हैं तो उनमें थिक होता है लेकिन कैसा होता है थिक होने के साथ यानी कि उनके जो आउटर कवरिंग होती है वो मोटी तो होती है लेकिन उस उसमें मोटाई में क्या होता है फाइबर्स होते हैं ठीक है और उन फाइबर्स के बीच में जो होती है एयर ट्रैप रहती है ठीक है उन फाइबर्स के बीच में क्या होती है एयर जिससे कि वो क्या होता है अः फ्लोट करने लग जाता है वाटर के ऊपर वो डूबता नहीं है ठीक है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ग्रो कर जाता है अब इसमें आप एक चीज ये आपको जाननी जरूरी है कि इसमें आ, जो फाइबर्स होते हैं कोकोनट के वो फाइबर्स आपने सुना होगा इनके फाइबर्स को क्वायर बोलते हैं और इनके जो ये फाइबर्स होते हैं ये आ, जो गद्दे बनते हैं उनमें यूज होता है इनके फाइबर से रस्सी भी बनाई जाती है जिसको आपने सुना होगा कि नारियल की रस्सी है ठीक है तो इसके जो फाइबर्स होते हैं उनको क्वायर बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट द सीड्स ऑफ वॉटर लिली वॉटर लिली प्लांट आपको पता है वॉटर लिली प्लांट हो गया लोटस ये ये एक्वेटिक प्लांट है ये वॉटर में ही होते हैं ठीक है और यही वजह है कि इनके जो डिस्पर्जल होता है सीड्स का वो बाई वॉटर होता है तो हैव अ स्पंजी आउटर कोट विच अलाउज देम टू फ्लोट ऑन वॉटर एंड मूव टू अदर प्लेसेस अलोंग विदर करेंट इनमें क्या होता है इनमें भी कोई ना कोई फीचर होता है तो किस तरह का फीचर होता है इनका जो आउटर कोट होता है सीड्स का वो कैसा होता है स्पंजी अब स्पंजी का मतलब तो हमने पहले ही समझ लिया स्पंजी होने का मतलब कि उनके अंदर एयर पॉकेट्स हैं जिनमें एयर ट्रैप्ड है जिसकी वजह से क्या हो वो इजिली फ्लोट करते हैं वॉटर पे ठीक है तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि बताइए कि अगर कोकोनट फ्रूट फ्लोट कर रहा है तो उसके अंदर क्या एडेप्टिव फीचर है या क्यों फ्लोट कर पा रहा है हम्म तो आप उसमें लिखेंगे कि एयर फाइबर्स हैव एयर एयर फ्रूट हैव फाइबर्स इन विच बिटवीन द फाइबर्स देयर इज अ एयर पॉकेट्स एंड एयर ट्रैप्ड दैट्स व्हाई इट फ्लोट इजीली ऑन द वाटर ओके

इसमें क्या है ये जो आउटर कवरिंग होती है इस आउटर कवरिंग के अंदर जो फाइबर्स होते हैं उसके अंदर एयर ट्रैप्ड रहती है ठीक है इसकी वजह से ये इस तरह से फ्लोट करता है अच्छा इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये अंदर भी है तो अंदर क्यों है क्योंकि इसमें वेट भी होता है इसलिए थोड़ा सा अंदर है पर फिर भी डूबेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर एयर फिल है ओके नेक्स्ट डायग्राम इज लोटस तो ये तो आपने लोटस देखा ही होगा बस लोटस के सीड्स नहीं देखे होंगे तो लोटस के सीड्स इस तरह के होते हैं ठीक है तो इनके जो आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं ये स्पंजी होते हैं इसके अंदर जो ये सीड्स हैं ये जब आप निकालेंगे ब्राउन कलर में होते हैं आपने इनका सुना भी होगा आ, कमल गट्टा भी बोलते हैं इसको ठीक है तो इसमें आपने जो इसके सीड्स जब देखेंगे तो ये ब्राउन कलर के होते हैं और ये आ, इनकी कोटिंग जो होती है तो वो तो हार्ड होती है लेकिन इसके अंदर जो होता है वो वहां पर एयर ट्रैप रहती है जिसकी वजह से ये लाइट वेटेड हो जाते हैं और फ्लोट करते हैं वाटर पे और वाटर करंट से एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी किए जाते हैं ठीक है एंड एंड दे दे गेट फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट ग्रोइंग डेवलप न्यू प्लांट सो सी नेक्स्ट टॉपिक देवल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाई एनिमल्स तो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स जो है कभी कभी एनिमल्स के द्वारा भी होता है आप एनिमल्स कैसे करेंगे ठीक है तो एनिमल्स की बॉडी में लाइक like, इफ यू टॉक अबाउटो काउ सो देव हेयर्स मीन इनकी बॉडी पे क्या होते हैं हेयर्स होते हैं तो हेयर में कुछ जैसे चिपक गया कभी तो उस तरह से ये एक जगह से दूसरे एक जगह से जब चिपक गया वहां से निकल रहे हैं तो फिर दूसरी जगह जाके वो कहीं रास्ते में कहीं भी गिर गया कहीं रब हो गया तो गिर गया इसका मतलब ये इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि कोई जो सीड्स होते हैं उनमें भी कुछ ऐसा एडेप्टिव फीचर होता है जिससे कि वो हेयर में उनके साथ स्टक हो सके किसी भी तरह से ठीक है uh, means, अगर कोई type का है उनके ऊपर तो वो चिपक के जाएंगे या फिर उनके अंदर कोई ऐसा फीचर है जिससे वो उसके uh, बालों के साथ फंस जाएंगे तो देखते हैं इसमें क्या होता है ठीक है सर्टन सीड्स आर डिस्पर्स टू फोर ऑफ प्लेसेस बाय सर्टन एनिमल्स कैन बी कैरीड अवे बाई वेरियस मीन ठीक है इनके अलग अलग तरीके हो सकते हैं तो देखते हैं वो क्या क्या अलग अलग तरीके हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इज समूट एनिमल इन दिस वे दे आर कैरीड अवे टू डिस्टेंस प्लेसेज बिफोर दे गेट रब्ड ऑफ फ्रॉम दियर बॉडीज एंड फॉल टू ग्राउंड ठीक है इसमें क्या है कि कोई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर इस तरह के आ, हुक्स होते हैं हुक्स का मतलब आप तो समझते होंगे हुक का मतलब इनका आ, आगे से जो आगे वाला जो पॉइंट होता है वो कैसा थोड़ा सा बेंट होगा बेंट होने का मतलब एक हुक टाइप टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा और वो हुक जो होता है उनकी आ, जो एनिमल्स के हेयर्स होते हैं उनमें आराम से फंस जाता है जिसकी वजह से ये क्या है उनकी बॉडी में चिपक कर दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं और वो किसी तरह रब होकर या तो जैसे एनिमल कहीं बैठ गया या फिर किसी Uh, जो ट्रीज होते हैं उनकी स्टेम के साथ कई बार वो रब कर जाते हैं जिससे वो हाँ दूसरी जगह पर वो फॉल ऑफ हो जाएगा गिर जाएगा और वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा ठीक है तो एग्जांपल्स ऑफ फ्रूट्स दैट हैव हुक्स आर गोखरू जैंथियम एंड यूरेना ओके एंड नेक्स्ट टाइप इज सम एनिमल्स ईट सीड्स एनिमल्स के द्वारा एक और अदर तरीके से भी इनका डिस्पर्जल होता है तो कैसे होता है ठीक है जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रूट्स को खा लेते हैं ठीक है वो फ्रूट्स को जब खाते हैं तो उन फ्रूट्स के साथ वो सीड्स को भी खाते हैं क्योंकि वो जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं एंड एज वी नो एनिमल्स आर नॉट एबल टू सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द फ्रूट्स दैट्स वाई दे ईट सीड्स अलोंग विद द फ्रूट्स और वो क्यों होती है सीड्स को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए ठीक है तो इस वजह से जो हार्ड कोटिंग होती है इसकी वजह से वो अनडाइजेस्टेड रह जाती है एनिमल्स की जो अः अगर वो इंटरेस्ट टाइम की बात करें तो वो उसके अंदर अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं और फीसेस के साथ यानी एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होता है उसमें जब फीसेस बॉडी से आउट होती हैं एग्जिट होती हैं तो वो फीसेस के साथ सीड्स एज इट इज वापस आ जाते हैं ठीक है और वो जैसे आपने देखा होगा काऊ के डंग होते हैं या डंग और उनका जो आपकी बफेलोज हैं तो इनके डंग में कई बार आप देखेंगे कि अगर उन्होंने कोई फ्रूट खाया तो उसके सीड्स एज इट इज आ जाते हैं इवन अगर जैसे वीट uh, वगैरह उनको खाने के लिए ऐसे ही दे दिया जाता है तो उनके भी समटाइम्स uh, उनके जो ग्रेन्स के पार्टिकल्स होते हैं वो भी आप बड़े बड़े उनके पीसेस इजिली देख सकते हैं तो इसी तरह से अनडाइजेस्टेड सीड्स आते हैं जो पीसेस के साथ वो अदर प्लेस uh, पे वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं और uh, इनमें से भी एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि ग्वावा और अदर जो भी अः uh, सीड्स होते हैं या जो भी फ्रूट्स उनकी पहुंच में होते हैं वो जिनको खा सकते हैं प्लांट से लेकर डायरेक्ट तो उनके सीड्स इसी तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ओके सो वी हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड दैट अबाउट द जेंथियम तो यू शुड नो द दिस इज द जेंथियम प्लांट ओके तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है ये जैंथियम के क्या है सीड्स हैं या फ्रूट्स हैं फ्रूट्स के अंदर सीड्स तो इनका जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर कैसा है इनमें हुक्स हैं सो लेट्स सी इन लास्ट डायग्राम ऑफ जेंथियम सीड सो दिस पार्ट इफ यू सी प्रॉपरली यू विल सी दे आर बेंट फ्रॉम द अपर साइड ठीक है so see, seed, so part, see, uh, see, side, जो इनका यहाँ पे देखिए जो ऊपर की साइड है इनमें आप देखिए कि ये मुड़े हुए आगे को यानी कि ये हुक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जैसे ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है ये इजिली क्या होता है दूसरे uh, एनिमल्स की बॉडी में कहीं भी स्टक हो सकता है हेयर के साथ या फिर कई बार जो ह्यूमंस अगर ऐसी जगहों से निकले तो ये उनके क्लॉथ्स में स्टक हो जाते हैं ठीक है क्यों क्योंकि ये इनके हुक लाइक स्ट्रक्चर है इस वजह से ठीक है एंड वी ऑल्सो अबाउट द यूरेना सीड्स यूरेना सीड्स देखिए ये जो है यूरेना सीड्स है इसमें भी आप देख सकते हैं कि इनमें भी जो आउटग्रोथ है वो इनसे तो छोटी है जैंथियम से बट इनमें भी कैसा हुक लाइक स्ट्रक्चर बने ये भी आगे से बेंच है थोड़े से मुड़े हुए हैं और हुक जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आराम से इजीली जो है स्टक हो जाता है ठीक है एनिमल बॉडी के साथ में या फिर क्लॉथ्स के साथ में तो आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड अबाउट द हुक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन एक्चुअली यहाँ पे डिस्पर्जन नहीं डिस्पर्जल होना चाहिए ठीक है सो प्लीज आप लोग सही कर लीजिएगा

जब सूख जाते हैं तो वो क्या करते हैं बस्ट हो जाते हैं यानी कि एक तरह से एकदम से फटते हैं और कैसे फटते हैं जब के साथ यानी झटके के साथ में दिसल्ट इन द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट देखिए अगर कोई फ्रूट जो है ड्राई हो गया दैट मीन्स इफ दैट मीन्स इट इज प्रॉपरली मेच्योर ठीक है तो अगर मेच्योर फ्रूट है तो उसके अंदर के सीड्स भी मेच्योर होंगे यानी कि पूरी तरह से अच्छे से मेच्योर होने के बाद में जो फ्रूट ड्राई हो जाता है तो वो क्या होता है जर के साथ झटके के साथ बस्ट होता है और जिससे जो उसके अंदर के सीड्स होते हैं वो भी झटके के साथ बाहर आते हैं झटके के साथ बाहर आने के यानी कि उनके अंदर एक तरह का स्पीड होती है ठीक है स्पीड होती है तो वो मदर प्लांट से कुछ दूर जाकर गिरते हैं ठीक है तो इनके एग्जाम्पल है आपके बालसम कैस्टर पी एंड तो यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये पी का है ठीक है अगर प्लांट में पी पॉड लगी हुई है और काफी टाइम तक लगी हुई तो यानी कि ये प्रॉपरली मेच्योर हो जाएगी आफ्टर <coughs> मेच्योरेशन ये क्या होगा इट विल बर्स्ट एंड एक्सप्लोर सीड्स ऑफ पी ऑल्सो गोज फॉर अवे फ्रॉम द

डायग्राम ऑफ कैस्टर तो कैस्टर में आप देखिए um, तो इसमें आप देखेंटर है, है का फ्रूट और ये एक एक्सप्लोरड फ्रूट है यानी कि इसके अंदर से सीड्स जो है बाहर जा चुके हैं निकल चुके हैं तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये एक और ये ये सैकलाइक स्ट्रक्चर -like बने यानी कि इसके अंदर जो है सीड्स होते हैं तो अब आप अगर इसको देखेंगे इसको तो इसमें आप देखिए दो पार्ट यहां से दिख रहे हैं ठीक है अगर यहां से देखेंगे तो यानी कि ये एक साइड से जब हम देख रहे हैं तो इसमें दो पार्ट्स दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये क्या होते हैं चार पार्ट्स होते हैं एटलीस्ट वन फ्रूट में फोर आपके सीड्स हो सकते हैं ठीक है तो इस तरह से जब ये बस्ट करते हैं ड्राई होने के बाद देन सीड्स स्कैटर फॉर ऑफ फ्रॉम द मदर प्लांट तो इस, के जो एक्सप्लोजन इस तरह से होता है तो उसमें क्या होता है मदर प्लांट से दूर जाकर गिरते हैं ठीक है तो ये हो गया स्कैटरिंग ऑफ सीड्स या ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक सो दिस इज लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक दैट इज एडवांटेजेस ऑफ सीड डिस्पर्जल सीड डिस्पर्जल की एडवांटेजेस यानी उपयोगिता क्या है या इसमें ऐसे क्या अच्छाई है कि ऐसा होना चाहिए ठीक है फर्स्ट वी विल सी इट प्रिवेंट्स ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया ठीक है ओवरक्राउडिंग मीन्स एक तरह से भीड़ हो जाना तो ये क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट की ओवरक्राउडिंग एक पर्टिकुलर एरिया में रोकती है क्यों क्योंकि क्या होगा अगर एक ही पर्टिकुलर एरिया में एक ही टाइप के प्लांट्स होंगे तो उनकी जो नीड होगी न्यूट्रिएंट्स की वो एक ही टाइप की होगी यानी कि अगर आ, एक एरिया है जिसमें सॉइल uh, में सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं पर कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स को ही एब्सॉर्व करते हैं ज्यादा तो उस तरह के न्यूट्रिएंट्स की वहां पर कमी हो जाएगी ठीक है अगर एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट्स वहां से सॉइल में से वो लेते रहे लेते रहे लेते रहे तो उस पर्टिकुलर टाइप का जो न्यूट्रिएंट है वो वहां पर कम हो जाएगा तो इससे प्रॉब्लम होगी दूसरे प्लांट्स को भी हो सकती है और उसी टाइप के या उसी स्पीसीज के प्लांट्स को भी हो सकती है क्यों क्योंकि सपोज जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी नीड ज्यादा होगी तो दूसरों के लिए जो है उस न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी यानी कि एक तरह से कंपटीशन हो जाएगा इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर सपोज घर में जैसे अगर आप दो फैमिलीज को कंपेयर करें एक फैमिली में सपोज चार मेंबर हैं ठीक है और वहां पर जो चीजें आती हैं सपोज हम फ्रूट्स की बात कर ले अगर वन के जी फ्रूट्स आ रहे हैं तो अगर सपोज उसमें चार या पांच पीस हैं तो वो क्या है चार पीस चार लोगों में एक एक पीस आ जाएगा ठीक है अगर चार से ज्यादा मेंबर हो गए सपोज छह या आठ मेंबर हो गए अगर आठ मेंबर है तो वो चार पीस जो एक एक मिल रहा था वहां पे वो आधा आधा मिलेगा तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो एक प्लांट अगर ग्रो कर रहा है उसको पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा यानी ठीक है तो क्या होगा कि वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा तो उसमें फ्रूट्स भी नहीं आएंगे तो इस तरह से डेवलपमेंट उसका प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा तो इस तरह से ओवर क्राउडिंग बचाई जाती है सीड से ठीक है दूसरी जगह लगाए जाएंगे तो जो एक यहाँ पर है उनको भी पूरा एनएफ अमाउंट में न्यूट्रियंट मिलेंगे और दूसरी जगह जो प्लांट है उसको भी एनएफ अमाउंट में न्यूट्रियंट्स मिलेंगे ओके एंड इट प्रीवेंट्स द कॉम्पिटिशन फॉर वॉटर मिनरल्स सनलाइट एंड सेम काइंड ऑफ प्लांट्स जो सेम काइंड अभी मैंने जो बताया वही ठीक तो है तो उनकी जो सेम काइंड के सेम स्पीसीज के प्लांट्स है तो उनकी नीड भी सेम है ठीक है और वाटर मिनरल्स जो है अच्छा सनलाइट की अगर बात करें सपोज अगर मदर प्लांट के नीचे ही प्लांट सीड्स uh, गिर जाते हैं फ्रूट्स गिर जाते हैं और सीड्स वहीं पर ग्रो कर जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में तो मदर प्लांट जो उसकी शेड है उसके उसकी, उसकी वजह से जो बेबी प्लांट है उसको सनलाइट भी नहीं मिलेगी ठीक है तो एक एक इस तरह से अगर एक ही जगह पे क्राउडिंग हो जाती है ज्यादा एक ही टाइप के प्लांट्स की तो उनकी जो है उनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है इन चीजों के लिए ठीक है हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए लेकिन क्या है पूरा अमाउंट में किसी को भी नहीं मिल पाता नेक्स्ट है इट हेल्प प्लेसेस ठीक है जो स्कैटरिंग होती है उससे क्या होता है एक नए, एक नए भी नया हो जाता है और वहां पे सॉइल भी न्यू टाइप की हो सकती है तो स्कैटरिंग से क्या होता है कि एक नई जगह पर भी प्लांट्स ग्रो करता है और वो फीव धीरे धीरे अपने अंदर एडेप्टिव फ्यूचर्स भी अः मतलब डेवलप कर लेता है जिससे वो उस तरह के क्लाइमेट में भी कई बार adapt, adaptation के थ्रू वहां पर भी डेवलप हो जाता है यानी कि ईजिली ग्रो कर जाता है ठीक है और एक एक इंडिविजुअल प्लांट में चेंज uh, हो जाता है तो वो वहां पर अच्छे से डेवलप होके ग्रो कर सकता है और वहां पर न्यू uh, प्लांट्स को भी जनरेट कर सकता है तो ये था आज का हमारा टॉपिक आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रोपरली एंड आई होप दिस टॉपिक विल इनहेंस योर नॉलेज so we will meet in next video with a new topic that will be germination of seeds so we will see in the next uh, video till then be safe be at home and be happy bye bye